नमस्कार दोस्तों, मैं वर्तिका होम्यो बाजार से आपका हमारे होम्यो बाजार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपको साइनस की बीमारी है? यदि आपको साइनस की बीमारी है तो हमारा आज का वीडियो आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं साइनस है क्या, साइनस कैसे हो सकता है। तो जो हमारी खोपड़ी के अंदर कैविटीज होती है, जो हमारी खोपड़ी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं दोस्तों, उसे साइनस कहा जाता है। ये हमारी खोपड़ी को हल्का रखने में और हमें सांस लेने में मदद करते हैं। यदि हमारी वो जो छेद है खोपड़ी के अंदर, उनमें बलगम भर जाता है तो हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वैसे दोस्तों, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो ये बड़ी बन सकती है। इसके बहुत ही लक्षण बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आपको देखने में मिल जाएंगे, आपको रोजगार में देखने में मिल जाएंगे इसके लक्षण। जैसे हमारी नाक बंद होना, नाक बहना या थका महसूस होना, बुखार जैसा महसूस होना। तो दोस्तों, यदि आपको इनमें से कोई सी भी दिक्कत हो रही है या कोई भी परेशानी हो रही है तो आप ले सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन, जिसका नाम है इंडो जर्मन केयर टैबलेट। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। मैं आपको बताऊंगी इसके कंटेंट क्या क्या है, कौन कौन सी दवाइयां मिलकर ये दवाई बनाई गई है, आपको इसे दिन में कितनी बार लेना है, कब तक लेना है और कैसे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। पहली इसमें दवाई है पल्सर टीला, जो साइनस की वजह से हमारे शरीर पर सूजन आ जाती है, ये उसको कम करने में मदद करती है। दूसरी हमारी इसमें मेडिसिन है काली बिच, ये हमारे जो खोपड़ी के खोखले छेद होते हैं उनमें जो बलगम भर जाता है उसको साफ करने में मदद करता है। तीसरा हमारा आता है आर्सेनिक का एल्बम। तो दोस्तों, ये जो हमें सर्दी जुखाम हो जाती है, बुखार सा महसूस होता है, ये उसको ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपको ये दवाई 3 महीने तक लगातार लेनी है। वैसे आपको इसके 1 महीने तक रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। यह आपको 3 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही आपको एक नई बीमारी के बारे में, नई होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे ही रोज एक नई वीडियो लाती रहूंगी। तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।